आज हम इंटरनेट को लेकर दुनिया के सबसे बड़े मिशन के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसे अभी सब्सक्राइब कर ले। स्पेसएक्स कंपनी 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च करके दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती इंटरनेट सेवा को शुरू कर रहे हैं। 2020 के अंत तक यह सेवा शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार जियो ने भारत में 4G सेवा शुरू करके इंटरनेट को लेकर क्रांति ला दी थी, उसी प्रकार स्पेसएक्स कंपनी पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहती है। यह कंपनी 1 GB पर सेकंड की स्पीड से सबसे सस्ता इंटरनेट देगी। हैरानी की बात यह है कि अब तक पृथ्वी की कक्षा में पूरी दुनिया के सिर्फ 5,000 सैटेलाइट है, जिनमें आधे से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, पर स्पेसएक्स कंपनी अकेले ही 42,000 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाएगी। इसको लेकर विवाद भी हो रहा है। कई देश चिंतित है कहीं ये सैटेलाइट उनके सैटेलाइट से ना टकरा जाए। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा हो सकते हैं, पर स्पेसएक्स कंपनी बता चुकी है कि उसके सैटेलाइट बहुत ही स्मार्ट हैं। टक्कर होने की स्थिति में ये अपने आप रास्ता बदल लेंगे। ये सारे सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे। यह सेवा शुरू करने के पीछे स्पेसएक्स कंपनी का मकसद 3,50,000 करोड़ रुपए सालाना कमाना है और मंगल ग्रह पर अपना शहर बसाने के लिए उसे 10 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 700 लाख करोड़ रुपए चाहिए। एलोन मस्क स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। इस समय दुनिया में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, पर एलोन मस्क 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च करके इस कमी को दूर करना चाहते हैं। इसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपको हर जगह 5G की स्पीड में इंटरनेट मिलता रहेगा। हमारे देश में अब तक 239 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, पर स्पेसएक्स अपने फोल्कन 9 रॉकेट से 6 जनवरी को 60 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और अगले 60 सैटेलाइट को 24 जनवरी को लॉन्च करने वाली है। जुलाई के अंत तक यह कंपनी 800 सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी और उसके बाद अमेरिका और कनाडा में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू कर देगी और इस साल के अंत तक 1500 सैटेलाइट लॉन्च कर देगी। 1500 सैटेलाइट के साथ यह कंपनी दुनिया के लगभग हर बड़े शहर में अपनी सेवा शुरू कर सकती है। इसके बाद यह 2025 तक 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च कर देगी और दुनिया के हर कोने में स्पेसएक्स कंपनी के इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होगी। इस सर्विस की टेस्टिंग अभी से शुरू हो गई है। अमेरिकी आर्मी इस सर्विस की टेस्टिंग अपने हवाई जहाजों में कर रही है। इस सर्विस के द्वारा एयरफोर्स के जहाज के कॉकपिट में पायलट को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मिल रही है। इस कंपनी के अलावा वन वेब, टेलीसेट और अमेजोन भी इस तरह की सर्विस देने की घोषणा कर चुकी है। अमेजोन दूसरी सबसे बड़ी दावेदार है, पर स्पेसएक्स कंपनी की तरह अमेजोन के पास अपना ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो उसके सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेज सके, पर अमेजोन स्पेसएक्स कंपनी के फोल्कन रॉकेट की सुविधा ले सकती है, पर उसे इसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके साथ साथ वह अपने ब्लू ओरिजिन कंपनी के रॉकेट का भी परीक्षण कर रही है। इन कंपनियों के प्रयासों को देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होने वाली है। चाहे अंतरिक्ष हो या समुद्र, पहाड़ या कोई आइलैंड, हर जगह इंटरनेट की सुविधा होगी। एलोन मस्क तो मंगल ग्रह पर भी इंटरनेट की सुविधा देना चाहते हैं और वो ऐसा कर भी सकते हैं। एलोन मस्क अजीब अजीब कारनामे करके दुनिया को चौंकाते रहते हैं। 19 जनवरी को एलोन मस्क ने अपना स्पेसशिप क्रू ड्रैगन फोल्कन 9 से लॉन्च किया था, पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद रॉकेट को जानबूझकर बंद कर दिया, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट कर दिया। पर इससे पहले रॉकेट ब्लास्ट होता, उससे पहले ही क्रू ड्रैगन स्पेसशिप को रॉकेट से अलग कर लिया गया था। ऐसा करने के पीछे यह देखना था कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो क्या हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचा सकते हैं जो स्पेसशिप में बैठे होते हैं। यह स्पेसशिप रॉकेट के ऊपरी हिस्से पर होता है। 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में इस रॉकेट को सिर्फ 84 सेकंड लगे थे। इसके बाद क्रू ड्रैगन को अलग कर लिया गया था और क्रू ड्रैगन के इंजन को चालू किया गया। 10 सेकंड तक खुद आसमान में आवाज की गति से तेज उड़ने के बाद यह नीचे की ओर आने लगा।
इतनी ऊंचाई से उसे सही सलामत नीचे आने में 9 मिनट लगे और 4 पैराशूट के जरिए यह अंटार्कटिक महासागर के पानी में लैंड कर गया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के जहाज से इसे समुद्र से बाहर लाया गया। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों को किसी हादसे से बचाने की तैयारी को देखने के लिए किया गया, क्योंकि अंतरिक्ष हमेशा से ही जोखिमों से भरा होता है। अंतरिक्ष की यात्रा करते समय बहुत से अंतरिक्ष यात्री मारे जा चुके हैं, जिसमें 2003 में कल्पना चावला भी मारी गई थी। इस समय नासा ने अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रियों को भेजने के लिए यान बनाने बंद कर रखे हैं। स्पेसएक्स कंपनी और बोइंग को नासा ने यह काम दिया है। इसी के तहत स्पेसएक्स कंपनी ने अपना क्रू ड्रैगन स्पेसशिप बनाया है और यह स्पेसशिप अंतरिक्ष स्टेशन तक भी पहुंच चुका है। अगर आप अंतरिक्ष और साइंस टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपको लगातार ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।